This is me. Hi. And this is GMC Srinagar. लेकिन एक मिनट, व्हाट इज दिस जीएमसी? लेट मी एक्सप्लेन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है जो कि श्रीनगर में। बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो ऑब्वियस है। जीएमसी श्रीनगर जेएंडके स्टेट का सबसे पुराना और सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जो साल 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था और साल 1961 में अपनी करंट लोकेशन पर फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ था। इसे कॉलेज के साथ 7 अलग अलग हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, और बस हमें इतना ही पता है, बाकी कॉलेज की वेबसाइट पे देख लें। अब कहानी का मेन कैरेक्टर तो आपको दिख ही जाएगा, पहले स्टोरी के कुछ एनपीसी से मिल लेते हैं। ये है राहे, नोमा, सोले, तावे, नेहाय, और हाँ एक और बंदा है अरीब, जो कि अभी तो बीमारी की हालत में है, तो इसीलिए उसकी बस फोटो ही दिखेगी। यार भूख लगी, कुछ खाने जाएंगे। कहाँ जाए? KFC जाए। यहाँ से कॉलेज से निकल के लेफ्ट, लेफ्ट से आगे राइट, आगे पहुंचेंगे करानगर, लेफ्ट सीधा आगे सिटी मॉल में घुसेंगे। जरा मैं नहीं आऊंगा, कौन आएगा तुम्हारे साथ? जहां चलना है चलो, मैं एमपे कर दूंगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सब मिले कैसे? कहानी शुरू होती है हमारे कॉलेज के एडमिशन वाले दिन से, जहां मैं सबसे पहले इन महाशय से मिला। अगले दिन कॉलेज की ओपनिंग सेरेमनी में हम चार लोग आपस में मिले। माय नेम इज निहायत फारूक, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। आई एम राहिल सबीर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम मोहम्मद अली नजात। और फाइनली क्लासेस के फर्स्ट वीक में हम चार लोगों को ये बाकी दो लोग मिले। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम छह लोग ऐसे ही दोस्त नहीं बने। इस फ्रेंडशिप ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो राहिल और मैं बचपन से ही सेम स्कूल की सेम क्लास में पढ़ते थे और दोस्त भी थे। इसी तरीके से नोमान और ताबिन भी सेम स्कूल की सेम क्लास में थे। अब अरीब और सोले का स्कूल हमसे तो अलग था, बट अरीब और मैं एक ही कोचिंग की एक ही क्लास में 4 साल तक साथ में पढ़ते थे, और अगेन दोस्त भी थे। सोले, राहिल और ताबिन भी उसी कोचिंग में किसी ना किसी टाइम पर पढ़ते थे, बट ब्रांचेस अलग अलग थी। और ये नोमान महाशय भी 9th क्लास में मेरी कोचिंग की क्लास में पढ़ते थे, बट अभी मुझे याद नहीं है। अब इसमें से आपको कुछ समझ आया तो ठीक है, वरना नहीं समझ के भी कोई खास नुकसान आपका होने नहीं वाला। अब कहानी में आगे बढ़े तो ऐसा ही करके हमने कॉलेज का फर्स्ट वीक और फिर फर्स्ट मंथ गुजार दिया, जिसमें हमने कॉलेज के बाहर के एरियाज एक्सप्लोर किए, 2-3 जगह पर घूमने गए और अपनी मेन बर्बादी की फाउंडेशन सेट की, क्योंकि इसके बाद आने वाला था हमारे कॉलेज का पहला एग्जाम यानी फर्स्ट टर्मिनल्स। लेकिन उससे पहले थोड़े मजे कर लेते हैं। हेलो। पहले तो कई और सारी छोटी मोटी ट्रिप्स। कॉलेज के अनऑफिशियल पिकनिक्स और सबसे जरूरी, कॉलेज की आधी जिंदगी बास्केटबॉल में बिताना। और हाँ, यही टाइम था जब हमने फाइनली कॉलेज और हॉस्पिटल के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और हमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। अब इसी जोश में कब हमारा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आया और चला गया वो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन अफसोस रिजल्ट कहाँ गायब होने वाला था। निहायत, फर्स्ट टर्मिनल का रिजल्ट आ गया। क्या किया एनआईटी में? क्या किया है? फेल। फिजियोलॉजी? फेल। बायोकेमिस्ट्री? बस किस्मत तू। अब इस हादसे के बाद हमने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब से सभी टाइम वेस्ट करने वाली हरकतें बिल्कुल बंद। अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, मैं एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए आपको PW के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। अगर आप ऑनलाइन मोड से अपनी नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो PW के बैचेस आपके लिए बेस्ट चॉइस है। PW में आपके लिए यकीन 5.0, जो कि है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर्स बैच, उनके लिए जो नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अर्जुना फास्ट ट्रैक, उनके लिए जो अपने 11th क्लास की नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको अपने नियरेस्ट विद्यापीठ में ऑफलाइन काउंसलिंग भी मिलेगी। और लक्ष्य फास्ट ट्रैक, उनके लिए जो अपने 12th क्लास बोर्ड की प्रिपरेशन 4 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं। इन सभी बैचेस में आपको अपने अकॉर्डिंग मिलेंगे इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, क्लासेस 6 days a week with 3 live lectures each day, DVPs, video solutions, quizzes, और साथ में एक टाइमली प्लानर के साथ शेड्यूल्ड टेस्ट भी। तो बस अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 यूज भी कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। Meanwhile, कब तक ये बास्केटबॉल खेलेंगे? हम फेल भी हो गए, कल से बास्केटबॉल बास्केटबॉल बैन। सही बात है, कल से बास्केटबॉल बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, अब जिम जाएंगे। What?
अब जिम जाके हम तो खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कुछ ही देर में अब फर्स्ट टर्मिनल्स के बाद सेकंड टर्मिनल एग्जाम्स भी आने वाले थे, और उसके लिए फिर से सभी लोगों ने जिम भी छोड़ दिया। इसी के साथ वी फास्ट फॉरवर्ड टू द सेकंड टर्मिनल रिजल्ट। भाई सेकंड टर्मिनल का रिजल्ट आ गया, पता है क्या है? एनाटॉमी में क्या है? फेल। फिजियोलॉजी? फेल। बायोकेमिस्ट्री? फेल। तो क्या फेल ही होते जा रहा है कुछ? पास किसने है? बचा क्या वहां? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब लेकिन यहाँ तक आते आते हम एक बात तो जरूर समझ गए थे, क्लास में आपको अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे और हर स्टूडेंट के अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लीक मसल? एक्सटर्नल ओब्लीक मसल स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द लोअर एट्रिप्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेशी स्लिप्स एंड द लोअर फोर डिजिटेशंस इंटरडिजिटेट विद दैट ऑफ द लैटिस मजोरस एंड द अपर फोर डिजिटेट विद द सेरेटस एंटीरियर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द लोअर एट्रिप्स। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर एट्रिप्स रिब्स। यहाँ गई होती है। मारो मुझे। अब यहाँ तक आते आते हर कोई कॉलेज में स्टेबल हो चुका था, पर किसको कॉलेज में आकर क्या करना है, किसके साथ घूमना फिरना है और किन चीजों को कितना फोकस देना है, ये हर कोई काफी हद तक समझ गया था। आज हम देखने वाले हैं कि मेरे राइट और लेफ्ट में जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि चीजें वापस नई से बोरिंग होने लगी थी। यहाँ तक कि चीजें इस हद तक क्लियर हो गई थी कि हमने कॉलेज के ऑफिशियल पिकनिक को छोड़कर खुद अपने फ्रेंड्स के साथ एक अलग ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया, और वाकई में वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग भी साबित हुई। साथ में हमारी छोटी मोटी ट्रिप्स तो चलती ही रहती हैं, अभी भी चल रही हैं और होपफुली आगे भी चलती रहेंगी। पर अब जैसे जैसे ईयर खत्म हो रहा है, स्टैंड अप्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं और अब सच में पढ़ाई को सीरियसली लेने का टाइम आ गया। तो इसीलिए अब फाइनली मेरी ब्रांड न्यू बुक्स को अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है, और अब अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं तो मेक श्योर आपकी बुक्स इतनी नई कभी भी ना रहे। अब हम सब तो जा रहे हैं सेंड अप एग्जामिनेशन की तैयारी करने, लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस और टाइम को यूटिलाइज करने से हमने ये चीज जरूर सीखी कि कॉलेज कैन बी बोथ द बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग टू एवर हैपन इन योर लाइफ। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे चीजों को मैनेज, अरेंज और अब्सॉर्ब करते हैं। वीडियो देख के अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो मेहनत करो, एक दिन आप यहाँ जरूर पहुंचोगे। ड्रीम सबको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके हर एक ड्रीम पॉसिबल। बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ड्रीम। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ। व्हाट जस्ट हैपेंड? उसके पैसे कहाँ से हैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फेल हो क्या? अकल नहीं है तुम लोगों को ना?